302 आईपीसी व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सूफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी थाना दुबग्गा लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था शादी के लिए? देखिए, जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सकती। ट्रॉमा सेंटर में वो गया था, इसका अपने पास कोई सबूत है या सिर्फ मौखिक बयान? जैसा मैंने कहा कि जो मृतिका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार जो उस समय मौके पर मौखिक बयान दिया था उसके आधार में आपको बता रहा हूँ, परंतु इन सभी बिंदुओं का संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर जांच की जाएगी और विवेचना को निस्तारित किया जाएगा। कई सारे बिंदु ऐसे जिनके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी इस विवेचना करके उपरांत ही की जा सकेगी। देखिए, जो तहरीर में मुझे मिली है उसके आधार पर मैंने और जो घटनास्थल का निरीक्षण मैंने किया उसके आधार पर मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है और जो बातें मैंने बताई हैं इसके अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा। जो आरोप वादी पक्ष द्वारा लगाए गए उनके बारे में मैंने आपको बताया और उन्हीं आरोपों के आधार पर FIR दर्ज की गई है, उसी तहरीर के आधार पर FIR दर्ज की गई है। उन्हीं आरोपों के आधार पर जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं और इसमें अंकित की गई हैं उन धाराओं को लगाया गया है। भविष्य में जल्दी हम कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी भी हो और विवेचना का शीघ्र निस्तारण भी हो। अन्य कोई भी बिंदु यदि हमें संज्ञानित होते हैं तो हम उससे आपको भी भली भांति अवगत मुकदमे भी दर्ज अभी तो इसमें सिर्फ सूफियान ही को नामजद किया गया क्योंकि यही आरोप परिवार द्वारा लगाया गया था। अन्य यदि किसी भी व्यक्ति का पूरे घटनाक्रम में कोई विपरीत किस्म की भूमिका के बारे में जानकारी मिलेगी तो अवश्य उन लोगों को भी हमारे के विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया। देखिए, जब तक हम विवेचना ना कर लें सभी सवाल ऐसे घर में जहाँ किसी बालिका की मृत्यु हो गई हो उसमें सारे सवाल इस समय पूछे जा पाने संभव नहीं होते, पर जो जानकारी हमें अभी तक है वो सारी जानकारी हमने आपको प्रेम संबंध था या हैरेसमेंट था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो FIR हमें प्राप्त हुई है उसमें जो जानकारी है वही जानकारी मैंने आपको दी है। इसके बारे में अपने स्तर से कोई प्री कंसीव नोशन होना, कोई पूर्वाग्रह होना उचित नहीं है। हम संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण कर ही आपको लॉजिकल कंक्लूजन तक के बारे में बता सकते हैं। लड़का की माँ का कहना है कि उसके पास कोई वीडियो था जिसको लेकर वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसा उसकी माँ का कहना है। ऐसी कोई बात अभी तक जो मैंने बातचीत की और हमारे विवेचकों ने की है उसमें हमें ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यदि ऐसी कोई जानकारी आती है अवश्य उसे भी हम अपनी विवेचना में सम्मिलित करेंगे। सर, तहरीर के अनुसार जो है उसके परिवार वालों को भी बताया गया है कि परिवार वाले भी इन्वॉल्व थे धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, क्या विवेचना में उनका नाम भी बढ़ाया जा सकता है परिवार के लोगों को? भाई, तहरीर में तो ऐसी कोई बात नहीं की गई, परंतु विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे हमारा आरोप पत्र हमारी विवेचना के आधार पर लगता है। FIR से विवेचना की शुरुआत होती है, तो जो अन्य तथ्य सामने प्रकाश में आएंगे उन तथ्यों के बारे में हम आपको भी अवगत बिल्कुल। लड़की की उम्र के बारे में बता दें, लड़की बालिग है।